अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सुजानपुर की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35 से खत्म होने पर खुशी जताते हुए मिठाई बांटी गई। रोशन मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस फैसले से कश्मीर में अमन चैन की वापसी होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सुजानपुर की तरफ से जो आज एक ऐतिहासिक दिवस है इसको मनाया गया। मोदी सरकार की तरफ से जो आज एक फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों के हित में, उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करता है और यहाँ पर हम एकत्रित होकर इसी की खुशियाँ मना रहे थे। 35 से भारत को जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से अंगहीन अभिन्न अंग कहते हुए भी उसे अलग कर रहा था और ये बरसों से चली आ रही एक कुप्रथा थी जिसे आज अत्यधिक सराहनीय कार्य करते हुए मोदी सरकार ने ख़त्म किया है और देशहित में जो महापुरुषों ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत जो हो वो अखंड हो, यहाँ पर रहने वाले लोगों का विधान प्रधान एवं सम्मान एक जैसा हो, तो इसके जो उपलक्ष्य में आज एक सराहनीय कार्य किया गया उसके हम मोदी सरकार के धन्यवादी हैं। एवं 35 को तोड़ने के पीछे जिनका भी एक बहुपक्षीय दिमाग था उनका भी धन्यवाद। हम अपने कश्मीरी भाइयों को कहते हैं कि ये आपके हित में है, ये आपको भारत से जोड़ता है, जो कि पहले भी आप कहे जाते तो भारत के थे लेकिन थे आप हमसे अलग क्योंकि वहाँ पे प्रावधान अलग हो रहा था। आज इसे हटाकर फिर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया गया है। हाँ, अलगाववादी जिनकी विचारधारा ये है कि खाएंगे भारत का गाएंगे पाकिस्तान का, उनको बुरा अवश्य लग रहा होगा लेकिन लगना भी चाहिए क्योंकि उनके जो वो लूट रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वो लूटना बंद हो जाएगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और केंद्र में जो सरकार होगी उसका शासन होगा जम्मू कश्मीर पे। तो यही कहते हुए मैं एक बार फिर भारतवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सभी भारतवासियों को अखंड भारत जो सपना एक है वो साकार होते हुए दिख रहा है, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।